मेसोपोटामिया का राजनीतिक इतिहास। अभी तक बच्चों हमने पढ़ाया आपको मेसोपोटामिया का लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में आपको बताया गया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेसोपोटामिया का राजनीतिक इतिहास क्या था, कैसा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरिया, बेबीलोनिया एवं असीरिया की मिली जुली सभ्यता थी। ये तीनों ही सभ्यता मेसोपोटामिया में एक के बाद एक विकसित हुई। इन सभ्यताओं के बारे में कहा गया है सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने उसे चरम पे पहुंचाया, असीरिया वासियों ने महानतम प्रगति की। मेसोपोटामिया की भूमि प्राकृतिक रूप से उपजाऊ थी, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि अनेक बार संकटों से घिर जाती थी, क्योंकि फरार नदी की प्राकृतिक धाराओं में कभी तो बहुतायत में पानी बह आता था और फसलों को पूरी तरह से डुबो देता था। कभी कभी फरार नदी की धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूख जाते थे। पुरातत्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। मेसोपोटामिया में उक्त प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त यहां मानव निर्मित समस्याएं भी उत्पन्न होती थी। जो लोग फरार नदी की धाराओं के ऊपरी इलाके में रहते थे वे अपने पास की जनधारा से बहुत अधिक मात्रा में पानी अपने खेतों में लेते थे। इस कारणवश धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों के लोगों को पानी नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में मेसोपोटामिया के गांव में भूमि और पानी के लिए बार बार संघर्ष हुआ करते थे। इन संघर्षों के सार्थक परिणाम भी होते थे। जब किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन संघर्ष के बाद जो मुखिया संघर्ष जीतता था वह अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देता था तथा पराजित समूह के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता था, उन्हें अपना चौकीदार या सेवक बना लेता था। इस तरह से विजित मुखिया अपने प्रभाव और अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करते जाते थे। कालांतर में इन मुखियाओं ने अपने अस्तित्व के स्थायित्व के लिए अपने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप नई संस्थाएं और परिपाल्टियां स्थापित होती गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने बहुमूल्य भेंटों को अपने देवताओं को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ती गई। इन मुखियाओं के द्वारा मंदिर की धन सम्पदा के वितरण तथा मंदिर में आने जाने वाली वस्तुओं के हिसाब किताब के लिए प्रभावी तरीके अपनाए गए तथा मंदिरों के संचालन की समुचित व्यवस्था भी की गई। समुदाय के पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने के लिए मुखिया ने लोगों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह था कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अपनी सेना एकत्रित की जा सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एन मार्कर से जुड़ी कविताओं ने से ज्ञात होता है कि इस तरह की व्यवस्था ने मेसोपोटामिया में मुखिया राजा को ऊंचा स्थान दिलवाया और समुदाय पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पुजारी मुखिया की प्राय राजा अर्थात शासक होते थे। उनके आदेश से युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को मंदिर में अनिवार्य रूप से काम करना पड़ता था। काम करने वाले लोगों को मजदूरी के रूप में अनाज दिया जाता था। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां प्राप्त हुई जिसमें काम करने वाले लोगों के नाम के आगे मजदूरी के रूप में दी गई वस्तुओं का
उल्लेख। इस प्रकार मेसोपोटामिया में मंदिर नगरों का विकास हुआ, राजा मुखिया के पद का प्रादुर्भाव हुआ। लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरिया सभ्यता उन्नति के शिखर पर थी। पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो नगर स्थित थे वे प्रारंभ में सिंचाई योजनाओं के नियंत्रण के केंद्र थे। कालांतर में ये केंद्र सिंह थी वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए। इस क्षेत्र में और फिश निप्पर तथा इरिरु आदि प्रमुख नगर थे जो किसी न किसी छोटे राज्य की राजधानी थे। प्रारंभ में ये सत्ता राजसत्ता के लिए आपस में संघर्ष थे रहे, किंतु कालांतर में सभी आपस में मिल गए, सुमेर नगर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे इनकी शक्ति में वृद्धि हुई और इन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया। विद्वान इतिहासकार रेविल का मानना है कि इरेक सुमेरिया का प्रथम शासक था। सुमेरिया में 3500 ईसा पूर्व राजतंत्रात्मक केंद्रीय शासन स्थापित हो चुका था। सुमेरिया के राजाओं में फिश की रानी अजगाउ और उर के राजा उर एंगा प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए। किश की रानी अजगबाउ ने फिश पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके शासनकाल में व्यापार कला साहित्य की विशेष उन्नति हुई। उर के शासक उर एंगर के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। 2370 ईसा पूर्व में एक खानदोश जाति ने आक्रमण करके संपूर्ण सुमेरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस जाति का प्रथम शासक सारगोन था। सारगोन के शासनकाल में सुमेरिया का साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैल गया था। कालांतर में अरब के रेगिस्तान के लोगों ने सुमेर पर विजय प्राप्त करके बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। बेबीलोन का प्रमुख शासक हम्मुराबी था। उसने बेबीलोन में 2123 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक शासन किया। हम्मुराबी न केवल अत्यंत शक्तिशाली शासक था वरना अत्यंत योग्य भी था। उसको विश्व का प्रथम कानून निर्माता भी माना जाता था। उसके द्वारा लागू की गई विधि संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बेबीलोन का साम्राज्य कमजोर हो गया। असीरियन लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया तथा मेसोपोटामिया के विशाल भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। असीरियन कोई बाहरी जाति या समूह नहीं था, अपितु ये दजला नदी के तट पर स्थित असुर नामक नगर के निवासी थे। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक असुर बनी पाल 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व था। वह एक योग और विद्वान शासक था। उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय में उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पत्रिकाओं को संग्रहित किया था। उसने गिलेमिश के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की प्रतियां भी तैयार कराई। असुरनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पत्रिकाएं थी। उसने इन ग्रंथों और पत्रिकाओं को विषय अनुसार वर्गीकृत भी कराया था। असीरिया के शासकों ने कालडियन जाति को शक्तिशाली बनाने से रोका था परंतु वे अपने प्रयास में असफल रहे। कालडियन जाति के नेलो इसकर 625 ईसा पूर्व से 604 ईसा पूर्व ने असीरियन जाति पर आक्रमण कर और उन्हें परास्त कर कालडियन साम्राज्य की मेसोपोटामिया में नींव डाली। नेपोलेस्कर
कि 604 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनका पुत्र नेबूकदनेस्सर 604 ईसा पूर्व से 562 ईसा पूर्व कालडियन साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसकी गणना कालडियन साम्राज्य के विकास की ओर उसे पर्याप्त ध्यान दिया। कालडियन शासकों ने बेबीलोन को अपनी एक ऊंची दीवार बनाई और नदी के दोनों ओर बस्तियां थी, इसलिए उसने फरात पर एक पुल भी बनवाया। नेबूकदनेस्सर की पत्नी को प्रकृति से काफी प्रेम था। उसकी पत्नी ईरान की राजकुमारी थी, जहां अनेक अच्छे उद्यान थे। अतः अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने बेबीलोन में एक सुंदर बाग स्थापित किया, जिसे हैंगिंग गार्डन कहा जाता है। यह बाग आज भी विश्व के सुंदरतम बागों में से एक है। नेबूकदनेस्सर के शासनकाल में कला कौशल के अतिरिक्त कृषि, व्यापार, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। नेबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उसके साथ समान योग वीर योद्धा सिद्ध नहीं हुए। उनके निर्बल होने से केंद्रीय शक्ति शिथिल पड़ने लगी। सामंत वर्ग दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनने लगा। इन कारणों से इस जाति का साम्राज्य भी अन्य साम्राज्यों की भांति विनाश को प्राप्त